तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आप लोगों को पोको एक्स फोर प्रो फाइव जोनल के अंदर मैं गेमिंग टेस्ट करके देखूंगा फ्री फायर मैक्स का अल्ट्रा मैक्स ग्राफिक के साथ में। लेकिन उससे पहले इस फोन के अंदर में जो भी अच्छा अच्छा गेमिंग फीचर आता है, मेरा सेंसिटिविटी, कस्टम मोड और मैं कैसे गेम प्ले करता हूँ आज इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के रिफ्रेश रेट की। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो 60 हर्ट्ज के साथ में ये फोन चल रहा है और इसका जो एक्सपीरियंस आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है ना रिफ्रेश रेट, इसको मैं हाई करके खेलता हूँ। तो इसको करने के लिए आप लोगों को सेटिंग पे जाना है और डिस्प्ले सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे डिस्प्ले तो थर्ड नंबर पे आप लोगों को देखने को मिलता है डिस्प्ले और उसके अंदर में आप लोगों को ये देख सकते हो ब्राइटनेस लेवल और उसके नीचे आप लोग देख सकते हो रिफ्रेश रेट। तो जैसे ही रिफ्रेश रेट के अंदर में आओगे ना तो आप लोग देख सकते हो इधर आप लोगों को दो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, एक तो 60 हर्ट्ज और एक तो 120 हर्ट्ज। तो आप लोगों को हमेशा गेमिंग करना 120 हर्ट्ज में कर लेना है और उसके बाद गेम खेलना है। इससे क्या होगा आपका गेमिंग स्पीड अच्छा देखने को मिलता है और आप लोगों को बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इस 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का एक बुरा चीज़ भी है, इससे आप लोगों का बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है। तो अगर आपका बैटरी पे आ रहा है तो आप लोग 60 हर्ट्ज पे ही खेलना, अगर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा अच्छा गेमिंग स्पीड करना है तो 120 हर्ट्ज पे खेलना। तो अब बारी आता है गेम स्पेस की। तो इस फोन के अंदर में जो गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए गेम टर्बो देखने को मिलता है 4.0 का, जो बहुत ही अच्छा गेमिंग टर्बो है। गेमिंग के लिए तो भाई बहुत अच्छा है, बीस्ट है। तो आप लोग देख ही सकते हो गेमिंग टर्बो का एक्सपीरियंस मतलब कैसे दिखाता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलता है कितना बैटरी चार्ज है, कितना सीपी यूजेस हो रहा है और कितना आप लोगों का GPU मतलब वो ग्राफिक जैसा होता है ना, ग्राफिक कार्ड मतलब आप लोगों को PC में होता है ना, ऐसा ही आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो 16% यूजेस हो रहा है। और उसके ऊपर में आप लोगों को ऐड का आइकॉन देखने को मिलेगा, सेटिंग का आइकॉन देखने को मिलेगा। तो मैं सेटिंग के अंदर में दिखाता हूँ, मेरा एडिशनल सेटिंग के अंदर में जाना मेरा कैसा सेटिंग है। तो फ्री फायर मैक्स में जो गेमिंग का टच रिस्पॉन्स, मैं हमेशा इसको 100 पे करके गेमिंग करता हूँ। इससे आप लोगों का सेंसिटिविटी अच्छा देखने को मिलता है, हाई सेंसिटिविटी होता है। इससे हेडशॉट मारने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, हेडशॉट बहुत इजी लगता है। सेंसिटिविटी हाई होगा तो अच्छे से हेडशॉट भी लगेगा। अब जैसे स्टार्ट प्लेइंग पर जैसे ही करूँगा तो मेरा गेम के अंदर में आ जाएगा गेम टूर भी। इधर आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में गेम टूर ऐड हो चुका है। तो अब दोस्तों गेम टर्बो जैसे ऐड हो जाएगा उसके बाद भी आप लोगों को कुछ बहुत सारा कुछ भी सेटिंग करना ज़रूरत होता है। अगर आप लोग नहीं सेटिंग करोगे तो आप लोगों को गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं कैसा सेटिंग। दोस्तों आप लोगों को मेनली जो बात आता है ना गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए, आप लोगों को ग्राफिक, अगर आपका फुल ब्राइटनेस पे चल रहा है फिर भी आप लोगों को ग्राफिक क्वालिटी अच्छा देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए गेम टर्बो के अंदर में एक बहुत अच्छा गेमिंग फीचर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ग्राफिक एडजस्टमेंट। तो ग्राफिक एडजस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग पे जाना है। तो सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों को परफॉर्मेंस मोड के अंदर में आप लोग देख लो क्या कुछ है। उसके बाद फिर से एडिशनल सेटिंग पे जाना है। उसके बाद स्वाइप करते करते आप लोग देख सकते हो इधर कुछ बहुत ही तगड़ा चीज़ देखने को मिलता है जो कि है आप लोग देख लो इधर
आप लोगों का शायद से ओरिजिनल पे होगा। अगर आप लोग एक्सट्रीम पे कर लोगे तो मेरा जैसा गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। और ओवरऑल दोस्तों मॉडरेटर पे आप लोग खेल सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अच्छा गेमिंग मतलब ग्राफिक चाहिए तो आप लोग एक्सट्रीम पे कर लेना। तो मैं बेसिकली एक्सट्रीम पे ही गेम प्ले करता हूँ। और ये जो रिस्टोर देखने को मिलता है ना, तो पहले जैसा हो जाएगा, रिस्टोर करोगे तो आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। अगर लगता है भाई फ़ोन में ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप लोग डिफ़ॉल्ट कर लेना। तो मेरा तो एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और कैंसिल करता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं ग्राफिक की क्वालिटी की। तो मेन चीज़ होता है भाई इस फ़ोन के अंदर में जो ग्राफिक की क्वालिटी आता है डिस्प्ले के अंदर में, भाई तगड़ी तो है ही। और दोस्तों इसके साथ में जो ग्राफिक की मतलब आप लोग कौन सी ग्राफिक में खेल सकते हो, तो मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस ग्राफिक के साथ में खेलता हूँ। और दोस्तों इस ग्राफिक के साथ में अगर खेलोगे तो आपका ग्राफिक क्वालिटी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा मोड़ा लैगिंग फील होता है। और दोस्तों ये लैगिंग फील क्यों होता है मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों को लैग थोड़ा थोड़ा लगता है ना, तो आप लोग हाई FPS को ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपका बैटरी ज़्यादा यूजेस होगा और आपका फ़ोन का पावर बहुत ज़्यादा लेगा, तो इससे आप लोगों को एक्सपीरियंस बहुत स्मूथली देखने को मिलेगा और इससे आप लोगों का FPS हाई हो जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैं अल्ट्रा ग्राफिक के साथ में थोड़ा लैग करके ही खेलता हूँ, हाई FPS को ऑन करने के ना बहुत स्मूथ हो जाता है, तो उतना स्मूथ में गेमिंग करने का मज़ा नहीं आता। तो अगर आप लोगों को लैग थोड़ा भी लैग नहीं चाहिए तो आप लोग हाई FPS को ऑन कर देना, इससे आपका फ़ोन थोड़ा हीट होगा लेकिन लैगिंग फील नहीं होगा। और मैं हमेशा इस ग्राफिक के साथ में खेलता हूँ, इससे भाई गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो मैं एक नॉर्मल सा मैच स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, किसी लोगों के साथ में। तो भाई ये सभी प्लेइंग चला गया यार, चूतिया लोग, हमें जब काम की ज़रूरत होता है ये लोग ऑन नहीं रहता। तो देखता हूँ कौन ये आता क्या नहीं। तो मैं इसको इस पर करता हूँ, ठीक है, इसको बोलना पड़ेगा भाई ले ले हमें टीम में। स्टार्ट करता है गेम, नहीं स्टार्ट हो गया। तो मैं एक नॉर्मल सा क्लैश स्क्वाड मैच स्टार्ट करता हूँ, और भाई क्लैश स्क्वाड रैंक की स्टार्ट नहीं करके मज़ा नहीं आएगा। तो एक नॉर्मल सा क्लैश स्क्वाड मैच स्टार्ट करता हूँ, देख लो आप लोग गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गेम अपना स्टार्ट हो चुका है बहुत जल्दी में। तो इधर आप लोग देख सकते हो इस फोन के अंदर में जो ग्राफिक की क्वालिटी है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बात करते एक्सपीरियंस की, तो इधर आप लोग देख सकते हो बहुत स्मूथली के साथ में वन टैप हेडशॉट लग रहा है, जो कि मतलब बहुत बढ़िया है। और दोस्तों स्पेशली मुझे, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को सिर्फ गेमिंग पर्पज़ के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो भाई पोको का ही फ़ोन लेना। मैं कहूँ ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं पोको का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ गेमिंग के लिए, तो भाई बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और विदाउट लैग के साथ में इस फ़ोन के अंदर में आप लोग फ्री फायर को खेल सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा मोड़ा वीडियो एडिटिंग भी करना है ना, तो भी आप लोग इस प्रोसेसर के साथ में कर सकते हो, मतलब इतना अच्छा प्रोसेसर है ना, तो आप लोग आराम से कर सकते हो ये सब कुछ। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आपका बजट कम है, मतलब 20,000 का 15,000 का बजट है, तो आप लोग पोको का फ़ोन ही लेना। और दोस्तों ओवरऑल दोस्तों इस फ़ोन के अंदर में बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो आप लोग देख ही सकते हो बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस फ़ोन का रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कुछ भी सवाल है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना। और दोस्तों मुझे आप लोगों से एक सवाल है, आपका कितना GB का रैम का फ़ोन है नीचे कमेंट में जरूर से बोलना। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।